चलिएगा, तो सभी जने हेडिंग डालेंगे जो हम टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्रॉस हेज। टॉपिक है क्रॉस हेज। देखिएगा, अच्छा, क्रॉस हेज को समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ पिछली क्लासेस का एक रिवीजन करके देखते हैं। मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये हैं मिस्टर ए, ये हैं मिस्टर ए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। मिस्टर ए के पास ये क्या है, एक फार्मर है, फार्मर, ठीक है। और इसने जो वीट की क्रॉप है वो लगा रखी है, और इसको ये पता है कि आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ रेडी टू सेल हो जाएगी, आफ्टर 4 मंथ रेडी टू सेल हो जाएगी। अब मुझे बताइए कि ये जो मिस्टर ए हैं, इनको क्या रिस्क नजर आएगी। मिस्टर ए को एक चीज पता है कि यार, अगर मेरे पास वीट की क्रॉप रेडी फॉर सेल होने वाली है, तो ऐसा ही और किसान भाई भी होंगे जिनके पास भी वीट की क्रॉप रेडी टू सेल हो जाएगी, यानी मार्केट में वीट की सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वीट की सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से मिस्टर ए को एक रिस्क नजर आएगी, रिस्क, रिस्क फॉर फॉल इन प्राइस, फॉल इन प्राइस। यानी जब मिस्टर ए अपनी वीट की क्रॉप को बेचने जाएंगे, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको प्राइसेस के डिक्रीज होने की रिस्क उठानी पड़े। तो मिस्टर ए को क्या हो जाएगा, वीट की क्रॉप को बेचने पर क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ऐसा मिस्टर ए को लग रहा है। तो मिस्टर ए आज क्या करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि यार, मैं आज ही अपनी सेल की रेट को लॉक कर दूं, ताकि अगर फ्यूचर में प्राइसेस गिरे तो मुझे प्राइसेस के गिरने पर नुकसान ना हो। तो इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीट फ्यूचर सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, हेज कर लिया अगेंस्ट द रिस्क ड्यू टू फॉल इन प्राइस आफ्टर 4 मंथ। क्लियर? बिल्कुल। तो मिस्टर ए ने अपनी इस कमोडिटी के लिए अपने आप को सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से क्या कर लिया, हेज कर लिया। बताइए, यहां तक मेरी बात समझ आ गई? आइएगा, वन अनदर सिचुएशन अब हम डिस्कस करते हैं, सिचुएशन नंबर 2 पर। आराम से धीरे धीरे मेरी बात को आप समझेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए, ये कौन है, ये है मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स ने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब आप जानते हैं, बाय पोजीशन होती है, यानी बाय कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग पोजीशन ऑन
शेयर्स ऑफ विप्रो, ठीक है, मिस्टर एक्स ने शेयर्स ऑफ विप्रो पर एक लॉन्ग पोजीशन बना रखी है. व्हाट डज इट मीन? मिस्टर एक्स ने फ्यूचर में विप्रो के शेयर को एक पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. अब मुझे बताइए, मान लेते हैं एट 200 ईच पर आपने ये पोजीशन ली है. सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से, ठीक है. अब मुझे बताइए कि मिस्टर एक्स को रिस्क कब नजर आएगी? अगर फ्यूचर में रिस्क कब लगेगी? आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आप विप्रो का शेयर 200 रुपए पर परचेस करोगे. अब अगर मार्केट में शेयर की प्राइसेस अगर बढ़ी तो आपको फायदा होगा. क्यों? क्योंकि आप लोग 200 में आए, जो मिस्टर एक्स हैं वो 200 में खरीद पाएंगे. लेकिन अगर प्राइस गिरी तो मिस्टर एक्स को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में जो चीज सस्ती मिल रही है उसको खरीदने की पोजीशन ऑलरेडी मिस्टर एक्स ने 200 पर ले ली है. तो रिस्क फॉर फॉल इन प्राइस, फॉल इन प्राइस. रिस्क फॉर फॉल इन प्राइस, बताइए. अब मिस्टर एक्स ये सोच रहे हैं कि यार मैं ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लूं जिस पर प्राइस अगर गिरेगी तो मुझे नुकसान के बजाय फायदा हो जाए. आप समझिएगा, अगर आज विप्रो के शेयर्स की कीमतों पर गिरने पर आपको रिस्क नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज की प्राइस ज्यादा है और फ्यूचर में प्राइस गिरने की आपको रिस्क नजर आ रही है. जानते हैं, अगर आज विप्रो के शेयर की कीमतें ज्यादा हैं तो विप्रो के जो फ्यूचर्स होंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विप्रो, वो भी हाई चल रहे होंगे, वो भी हाई प्राइस पर चल रहे होंगे. बताइए आप ऐसा क्या करें कि अगर कल को प्राइस गिरे तो आपको फायदा हो जाए. अगर आपने विप्रो के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर सेल पोजीशन बना दी, सेल या शॉर्ट पोजीशन, सेल या शॉर्ट पोजीशन बना दी, तो बताइए क्या होगा. मान लेते हैं एट 250 पर आपने शॉर्ट पोजीशन बना दी. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कल को विप्रो के शेयर्स की कीमतें गिरी तो उसके कॉन्ट्रैक्ट भी सस्ते हो जाएंगे, लेकिन आपने ऑलरेडी एक बेचने की पोजीशन 250 रुपए पर बना रखी है. तो मार्केट में अगर प्राइसेस गिरी तो भी आप 250 रुपए में बेच पाओगे. तो यानी आपका ये जो रिस्क थी, ये रिस्क क्या हो गई, इस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा सेट ऑफ हो जाएगी. क्या मेरी बात समझ आई? मैं आपको फिर बताता हूं. आपने एक लॉन्ग पोजीशन यानी खरीदने की पोजीशन बना रखी है, यानी आप 200 रुपए में विप्रो का शेयर खरीदोगे और अगर मार्केट में प्राइसेस गिर गई तो आपको रिस्क आएगी. क्यों? क्योंकि मार्केट में वो चीज सस्ती हो गई लेकिन आपको 200 में खरीदना पड़ेगा. तो अब आप ये सोच रहे हो कि यार इसको मैं कैसे हेज करूं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा. तो आपने मार्केट में विप्रो के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर एक शॉर्ट पोजीशन बना दी. अब शॉर्ट पोजीशन बनाने का क्या फायदा हुआ कि अगर प्राइसेस गिरी तो आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट 250 पर कर रखा है. नो डाउट प्राइस गिरेगी तो आपको यहां तो नुकसान होगा, क्योंकि आपको यहां पर महंगा खरीदना पड़ेगा.
आप समझना मेरी बात को, आपको यहां पर नुकसान होगा क्योंकि महंगा खरीदना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महंगा खरीदना पड़ा तो आपने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट भी हाई प्राइस पर किया हुआ है, और मार्केट में अब कीमतें सस्ती चली गई, तो आपको इमीडिएटली इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। मार्केट में प्राइस गिरी तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी गिरा, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है 250 रुपए पर बेचने का, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, दोनों ही जगह पर मेरे पास जो डिजायर्ड था उसका फ्यूचर आसानी से अवेलेबल था। मुझे रिस्क लग रही थी वीट के ऊपर, तो मैंने वीट का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। मुझे रिस्क लग रही थी विप्रो के शेयर्स के ऊपर, तो मैंने विप्रो के शेयर का फ्यूचर ले लिया। बोलिए, क्या ये दोनों बातें बिल्कुल क्लियर हैं अब आपको? चलिएगा, अब एक और सिचुएशन में आपके साथ डिस्कस करता हूं, थर्ड सिचुएशन। समझना इस सिचुएशन को, देखिएगा ये कौन है, ये है हमारे पास मिस्टर पी, ठीक है। अब ये जो मिस्टर पी हैं, इन्हें एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, और उस प्रोडक्ट के लिए इन्हें आयरन चाहिए, ठीक है। इन 6 मंथ टाइम, ठीक है, इनको अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए, आयरन चाहिए इन अ 6 मंथ टाइम। अब आयरन पर इनकी लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि इन्हें आयरन रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्ट। तो आयरन पर क्या हो गया, इनकी लॉन्ग पोजीशन है। अब मुझे बताइए कि आयरन की ये जो लॉन्ग पोजीशन है, 6 मंथ में इनको रिस्क किस बात पर लगने वाली है? प्राइस के बढ़ने पर रिस्क है या प्राइस के गिरने पर रिस्क है? आपने खरीदने की पोजीशन को लॉक कर दिया, यानी आप आयरन को इस पर्टिकुलर रेट पर खरीदोगे, और अगर मार्केट में प्राइस गिर गई, फॉल इन प्राइस ऑफ आयरन, फॉल इन प्राइस ऑफ आयरन, बताइए रिस्क आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्योंकि आपने खरीदने की पोजीशन को लॉक कर दिया है, आपने खरीदने की पोजीशन को लॉक कर दिया है, और आपकी जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में गिर गई, तो इसका मतलब अब आपको महंगा खरीदना पड़ेगा। तो इस वजह से आपके ऊपर क्या आ गई, एक रिस्क अराइज हो गई, आपके ऊपर क्या अराइज हो गई, रिस्क अराइज हो गई ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ आयरन। अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये जो रिस्क अराइज हुई है, इस रिस्क से बचा कैसे जाए, यानी क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जहां पर प्राइस गिरने की वजह से मुझे क्या मिल जाए, फायदा मिल जाए। तो मिस्टर पी ने क्या सोचा, यार मैं आयरन फ्यूचर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, आयरन फ्यूचर सेल कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूं। अब बताइए क्या होगा,
अगर मान लीजिए आयरन की रेटें गिरी तो यहां पर आपको नुकसान हो जाएगा, पक्का पक्का आपको आयरन की रेट गिरने पर यहां इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, लॉस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको आयरन महंगा खरीदना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ही चूंकि आपने एक सेल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और प्राइसेस गिर गई, तो आपको हाई रेट पर सेल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहां आपको प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, यहां आपको प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। बोलिए एग्री और नॉट, क्या मेरी ये बात समझ आई? अगर आपने कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो सेल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है बेचने की प्राइस, और मार्केट में प्राइसेस गिरी, आयरन गिरा तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी गिरेगा, आयरन गिरा, आयरन की प्राइस गिरी तो आयरन के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी गिरेंगे, और इस वजह से मुझे सेल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। लेकिन अब एक समस्या आ गई, जब ये मिस्टर पी मार्केट में गए तो नो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आयरन, ऑफ आयरन इज अवेलेबल। इज अवेलेबल, नो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आयरन इज अवेलेबल। नो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आयरन इज अवेलेबल, आपके पास आयरन का कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है। अब समस्या मिस्टर पी के लिए हो गई कि उन्हें आयरन का सेल फ्यूचर चाहिए ताकि प्राइस के गिरने की रिस्क पर आपको कुछ फायदा हो जाए, लेकिन जब वो मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट लेने गया तो आपके पास आयरन का कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं था। अब मिस्टर पी क्या करें? ना, मिस्टर पी ने क्या सोचा, वेदर वेदर एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल वेदर एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, वेदर एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल विच इज हाईली कोरिलेटेड विच इज हाईली कोरिलेटेड टू आयरन इन प्राइस मूवमेंट, इन प्राइस मूवमेंट। अब मिस्टर पी ने क्या देखा कि यार क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में अवेलेबल है जिसकी प्राइसेस और आयरन की प्राइसेस के मूवमेंट के साथ चलती हो, कोरिलेशन हो। कोरिलेशन का मतलब समझ रहे हैं कि अगर आयरन की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी भी प्राइस बढ़ रही है, और अगर आयरन की प्राइस गिर रही है तो उसकी भी प्राइस गिर रही है, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए। तो मिस्टर पी ने देखा कि क्या मार्केट में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है जिसका प्राइस मूवमेंट किससे रिलेटेड है, आयरन की प्राइस से रिलेटेड है। तो मिस्टर पी ने क्या पाया, इन मार्केट, मार्केट मेटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल,
मेटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल। बताइएगा मुझे क्या मेटल और आयरन कोरिलेटेड हैं? बिल्कुल है, क्योंकि आयरन भी एक तरह का मेटल है। तो अगर मेटल की प्राइसेस में मूवमेंट होगा तो आयरन की प्राइस में भी क्या होगा? मूवमेंट होगा। तो यानी मिस्टर पी ने ये देखा कि आयरन का फ्यूचर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आयरन की प्राइसेस के साथ कोरिलेटेड एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है जो कि मार्केट में मेटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जा रहा है। तो अगर मैं आयरन के बजाय मेटल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लूं तो मैं अपनी रिस्क को हेज कर सकता हूं। यानी अब मेरी बात समझ पा रहे हो? आपके ऊपर जो आयरन कमोडिटी रिस्क थी, उस रिस्क को आपने आयरन के बजाय किसी दूसरी असेट मेटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से हेज किया है। यानी जब आपको आपकी डिजायर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट न मिले तो आप उसी की तरह के प्राइस मूवमेंट वाले अगर दूसरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर जाते हैं तो इसी को बोला जाता है क्रॉस हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। इसी को बोला जाता है क्रॉस हेजिंग। इसी को क्या बोला जाएगा? क्रॉस हेजिंग बोला जाएगा। तो बताइए क्या अब आपको क्रॉस हेजिंग का बेसिक मतलब समझ आ गया? यानी आपको जिस पर्टिकुलर तरह का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो मार्केट में अगर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी दूसरी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे जिसका प्राइस मूवमेंट आपके डिजायर्ड प्राइस, जो डिजायर्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसकी प्राइस मूवमेंट के साथ मूव करें। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जब हम अपने फ्यूचर्स की हेजिंग करते हैं, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को हेज करते हैं, तो इस हेजिंग को क्या बोला जाता है? क्रॉस हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा? क्रॉस हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। पॉइंट नंबर वन लिखेंगे, वेन एवर डिजायर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट Whenever desired future contract is not available, directly, for hedging purpose. Whenever desired future contract is not available directly for hedging purpose, then person has to enter into a contract which is
पॉजिटिवली कोरिलेटेड, पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ डिजायर्ड असेट। इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइस मूवमेंट, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइस मूवमेंट, बहुत ध्यान से सुनना। जब आपको डिजायर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे जो कि प्राइस के मूवमेंट को लेकर पॉजिटिवली कोरिलेटेड होगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइस मूवमेंट। सच हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, सच हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट इज known as cross hedging, is known as cross hedging। इसे क्या बोला जाता है? क्रॉस हेजिंग बोला जाता है। यानी जब हमें हमारा डिजायर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम प्राइस के रेस्पेक्ट में हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड कोई दूसरा फ्यूचर मार्केट में देख पा रहे हैं, तो उसके द्वारा जब हम हेज करने का प्रयास करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। लिखेंगे सेकंड पॉइंट, इन अदर वर्ड्स In other words, cross hedging refers to the practice practice of hedging risk using two distinct asset two distinct assets with positively correlated in respect of price movement, लीजिए। तो मेरे हिसाब से अब आपको क्रॉस हेजिंग की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। यानी क्रॉस हेजिंग का मतलब है दो डिफरेंट असेट जहां पर पॉजिटिव कोरिलेशन मेंटेन होगा प्राइस के मूवमेंट को लेकर। व्हाट डज इट मीन? मान लीजिए ये असेट वन है, अगर असेट वन में अपवर्ड प्राइस मूवमेंट है, तो हेजिंग के लिए हम जो असेट टू ले रहे हैं वहां भी अपवर्ड प्राइस का मूवमेंट होना चाहिए। अगर असेट वन में प्राइसेस के डाउनवर्ड का मूवमेंट है, तो जिस असेट को हम हेजिंग के लिए यूज ले रहे हैं
वहां भी प्राइस का मूवमेंट डाउनवर्ड होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट होना चाहिए साथ सेम मूवमेंट। अगर हम पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, सेम मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, आइएगा पॉइंट नंबर थ्री। द इन्वेस्टर टेक अपोजिट पोजिशन इन ईच इन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस रिस्क इन्वॉल्व। लीजिएगा, जो इन्वेस्टर है उसे दोनों असेट में क्या लेनी पड़ेगी, अपोजिट पोजीशन लेनी पड़ेगी। यानी मान लीजिए असेट वन है जिस पर आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, ठीक है, तो अब आपको इसकी रिस्क को कवर करने के लिए जो असेट टू होगी वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनानी पड़ेगी। और अगर असेट ए पर आपकी शॉर्ट पोजीशन चल रही है, तो जो असेट टू होगी आपकी उस पर आपको क्या बनानी पड़ेगी, लॉन्ग पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो अगर आप अपोजिट पोजीशन अलग अलग असेट पर क्रिएट करेंगे तो आप अपनी रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि क्यों एक पर लॉन्ग और दूसरे पर शॉर्ट बनती है। आइएगा पॉइंट नंबर फोर। ऑल्दो टू असेट्स आर नॉट आइडेंटिकल दे हैव इनफ कोरिलेशन टू क्रिएट हेज पोजीशन प्रोवाइडेड प्राइसेस ऑफ बोथ असेट्स मूव इन सेम डायरेक्शन। देखिएगा ये क्या बोल रहा है कि वैसे तो ये जो दोनों असेट्स हैं ये आइडेंटिकल नहीं है,
बट फिर भी इनके बीच में इतना कोरिलेशन मेंटेन होना चाहिए ताकि आप हेज पोजीशन बना सको। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो प्राइसेस का मूवमेंट है वो दोनों असेट का सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर असेट वन पर अपवर्ड मूवमेंट है तो असेट टू पर भी अपवर्ड मूवमेंट होगा, और असेट वन पर अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो असेट टू पर भी डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। अगर ऐसा है और इनके बीच में एक इनफ कोरिलेशन मेंटेन है तो वी कैन क्रिएट हेज पोजीशन, वी कैन क्रिएट हेज पोजीशन। बताइए क्लियर है बिल्कुल ये पॉइंट? अपोजिट पोजीशन बनानी है, और अपोजिट पोजीशन बनाने के लिए आपको क्या देखना है कि दोनों असेट जिनको लेकर आप हेज पोजीशन बना रहे हो उनके जो प्राइस मूवमेंट है वो क्या होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। बताइए क्लियर है? ये चारों पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने? पॉइंट नंबर फाइव लिखेंगे, लिखे द क्वेश्चन देन अराइज एज टू विच कॉन्ट्रैक्ट शुड बी चूजन फॉर द क्रॉस हेजिंग पर्पस, फॉर द क्रॉस हेजिंग पर्पस द आंसर इज दैट द कॉन्ट्रैक्ट हूज प्राइसेस आर हाईली कोरिलेटेड विथ डेट ऑफ अंडरलेइंग असेट, नीड टू बी यूज्ड फॉर हेजिंग। देखिएगा तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कौन से कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग, तो आंसर क्या है आपका कि हम एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारी अंडरलेइंग से प्राइस के रेस्पेक्ट में हाईली कोरिलेटेड होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक से ज्यादा
कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं जो कि प्राइसेस के रेस्पेक्ट में अंडरलिंग से क्या रखते हैं, कोरिलेशन रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हाईली कोरिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट का हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। देखिएगा कहने का मतलब क्या है, ये हमारी असेट वन है जिसके लिए हमें हेज करना है, इसके लिए हमें हेज पोजीशन बनानी है, ठीक है। अब मार्केट में इस असेट से रिलेटेड असेट टू चल रही है, एक असेट थ्री चल रही है और एक असेट फोर चल रही है। ये तीन ऐसी असेट हैं जो कि प्राइस के रेस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर असेट जिसके लिए हमें हेज करना है से कोरिलेटेड है। कोरिलेशन दिया हुआ है, इसका कोरिलेशन 0.6 है, इसका कोरिलेशन 0.8 है और इसका कोरिलेशन 0.6 है। बताइए ये तीन असेट हमारे पास हैं और ये जो तीन असेट हमारे पास हैं इनका असेट वन से आपको क्या दिया हुआ है, कोरिलेशन दिया हुआ है। तो बताइए आप कौन सी असेट के साथ इसकी हेज सिचुएशन को क्रिएट करेंगे, असेट वन के साथ प्राइस के रेस्पेक्ट में हाईली कोरिलेटेड कौन सी असेट है। हमें क्लियरली पता लग रहा है हाईली कोरिलेटेड है असेट, तो यानी हम असेट वन को असेट थ्री के साथ क्रॉस हेज करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड। आइएगा अब जरा इस सिचुएशन को थोड़ा एक डिफरेंट मैनर में देखते हैं। देखिएगा कोरिलेशन दिया हुआ है 0.60, 0.55 और 0.60, यानी हमारे पास हेजिंग के लिए जो दो अलग अलग असेट हैं उनका कोरिलेशन सेम है। हम अगर असेट वन की हेज पोजीशन असेट टू से बनाते हैं तो भी कोरिलेशन 0.6 है और असेट फोर से बनाते हैं तो भी कोरिलेशन 0.6 है। तो अब हम डिसीजन नहीं ले सकते कि असेट वन की जो हेज पोजीशन है वो किससे बनानी है, तब हम बीटा वैल्यू के आधार पर डिसीजन लेंगे। बीटा वैल्यू, इसका बीटा वैल्यू है 0.80, इसकी बीटा वैल्यू 1.1 और इसकी बीटा वैल्यू 1.1। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोरिलेशन दो असेट के सेम आ जाएं तो हम ऐसी असेट के साथ क्रॉस हेज पोजीशन बनाएंगे जिसमें रिस्क कम होगी, यानी कम रिस्क के साथ हम काम करेंगे। तो इसका मतलब मैं असेट टू के साथ क्या करूंगा, मैं असेट टू के साथ अपना क्रॉस हेज करूंगा। तो आइए इस बात को हम लिख लेते हैं और पॉइंट डालकर लिखें, इफ मोर देन वन असेट If more than one asset having same correlation if more than one asset having same correlation विथ अंडरलाइन विथ अंडरलाइन
देन क्रॉस हेजे मस्ट बी देन क्रॉस हेजिंग मस्ट बी विथ दैट असेट हैविंग लोअर बीटा वैल्यू हैविंग लोअर बीटा वैल्यू। अगर एक से ज्यादा असेट का कोरिलेशन सेम है अंडरलेइंग असेट के साथ तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे, हम उस असेट के साथ क्रॉस हेजिंग की सिचुएशन बनाएंगे जिसकी बीटा वैल्यू या रिस्क लेवल क्या होगा, लो होगा। बताइए क्या यहां तक की बातें बिल्कुल अब क्लियर हैं? ये मैंने आपको क्या लिखवा दिया, कुछ थ्योरी के पॉइंट्स लिखवाए हैं किसको लेकर, क्रॉस हेज की सिचुएशन को लेकर। देख लीजिए आपको अगर कोई भी पॉइंट अगर इसमें पूछना है तो मुझे बता। क्लियर है बिल्कुल?